नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। JBT के लिए बतला छात्र शिक्षक अनुपात, हजारों पद होंगे खत्म। JBT PRT के हजारों पद हो जाएंगे खत्म, कारण क्या है? स्टूडेंट टीचर रेशियो में बदलाव करने की तैयारी हो रही है। अभी 1:25 है, उसको बढ़ा के 1:30 करने की बात चल रही है। बात क्या चल रही है, बोल दिया गया है कि उसी के हिसाब से आप डिटेल भेजिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो पूरी न्यूज आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी, आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। देखिए, JBT के लिए बदला छात्र शिक्षक अनुपात, हजारों पद होंगे खत्म। हरियाणा सरकार JBT भाषा अध्यापकों व मास्टर वर्ग की रैशनलाइजेशन करने जा रही है। रैशनलाइजेशन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षकों के पदों का वर्गीकरण हुआ तो हजारों पद खत्म हो जाएंगे। रैशनलाइजेशन में नई शिक्षा नीति को ताक पर रख दिया है। JBT का शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 है, तो रैशनलाइजेशन में इसे 1:30 तय किया है, जबकि बीते 3 साल से 1:25 के नियमानुसार ही रैशनलाइजेशन हो रहा था। इससे अनेक पद खत्म होंगे। सरकार ने मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों को सप्ताह में 36 पीरियड का वर्कलोड दिया है, इससे भी शिक्षकों के पद खत्म होंगे। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन व प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने रैशनलाइजेशन के मानदंडों पर आपत्ति जताई है। शिक्षा के मौलिक अधिकार के अनुसार दूसरा सेक्शन 36 छात्र विद्यालय में होने पर बनाया जाना है, लेकिन पहला सेक्शन 41 बच्चे होने पर बनाया जा रहा है, जिससे लगभग 2000 अध्यापकों के पद खत्म हो जाएंगे। शिक्षा के मौलिक अधिकार में मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापक का पद फुल टाइम है, लेकिन इसके लिए भी 36 पीरियड प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, जिससे TGT और भाषा शिक्षकों के 5500 पद खत्म हो जाएंगे। बीते 8 अगस्त 2019 के पत्र के अनुसार मौलिक स्कूल मुख्य अध्यापकों की प्रशासनिक जिम्मेदारी को देखते हुए अधिकतम 24 पीरियड प्रति सप्ताह निर्धारित किए थे। तो ये देखिए, इससे पहले एक न्यूज और आई थी, हरियाणा सरकार ने JBT अध्यापक छात्र अनुपात 1:25 से बढ़ाकर 1:30 किया। मौलिक शिक्षा विभाग ने तय किए नए मानदंड। मौलिक शिक्षा विभाग के आदेश पर एसोसिएशन ने जताया ऐतराज। स्कूल शिक्षा विभाग के 1:30 के प्रस्ताव पर लगी मोहर। TGT और CNV में एक शिक्षक संभालेगा 40 बच्चों की जिम्मेदारी। तो ठीक है दोस्तों, यही अपडेट आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। न्यूज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।